वंदे मातरम विद्यार्थियों और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, आज मैं राजस्थान जीके से संबंधित राजस्थान भूगोल के जो टॉपिक है राजस्थान की झीलें उससे संबंधित सेकंड वीडियो पेश कर रहा हूं। इससे पूर्व मैंने राजस्थान की झीलों से संबंधित एक वीडियो और अपलोड किया हुआ है, वो चैनल पर देख सकते हैं। और इसके अलावा राजस्थान की नदियों से संबंधित चार वीडियो भी मैंने इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। मैंने प्रयास किया है कि इनमें अभी तक के जितने भी कंपटीशन हुए हैं उनमें राजस्थान जीके से संबंधित जिलों से संबंधित जो भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं उन सभी को दो वीडियो में समावेश करने का प्रयास किया है। और मेरा विश्वास है कि अगर आप दोनों वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो राजस्थान जीके से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि खारे पानी के निम्न में से कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है। चार नाम दिए हुए हैं, पचपदरा, डीडवाना, डेगाना या कुचामन। चार जिलों में से कौन सी झील है वो नागौर जिले में नहीं है। तो शुरू करते हैं, आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड में आपको आंसर देना है। तो इसका टाइम आउट और इसका सही आंसर है ए यानी पचपदरा। अब पचपदरा झील कहाँ है वहाँ को बता दूँ, पचपदरा झील बाड़मेर में है, बाकी डीडवाना, डेगाना, कुचामन ये सारी नागौर में है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि राजस्थान में ये कौन सी झील खारे पानी की है। अब आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आनासागर, पिछोला, डीडवाना और जयसमंद। अब इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है, अगर राजस्थान की झीलों के बारे में आपको जानकारी तो आप आसानी से बता पाएंगे। आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड में आपको बताना है, टाइम आउट। और सही आंसर है सी यानी डीडवाना। तो आपको पता होगा अभी जैसे पिछले ऑप्शन में भी था, डीडवाना नागौर में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। इसके अलावा आनासागर अजमेर में, पिछोला उदयपुर में और जयसमंद झील है वो उदयपुर में, ये सारी झीलें हैं वो मीठे पानी की झीलें। तो ये प्रश्न हो गया। अब इसके थोड़ी सी मैं जानकारी और दे दूँ कि नागौर जिले के डीडवाना के पास स्थित इस झील यानी डीडवाना झील है का नमक खाने के योग्य नहीं है होने के कारण इससे सोडियम प्राप्त किया जाता है, और खाने के योग्य नहीं होने का कारण है कि इसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और जैसे आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो सांबर झील है उसमें सबसे ज़्यादा नमक प्राप्त किया जाता है। तो और पचपदरा झील के बारे में बताया था कि सबसे शुद्ध नमक यहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से जो नेक्स्ट प्रश्न है जिलों से संबंधित, आनंद सागर झील कहाँ स्थित है, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पिछले किसी भी कंपटीशन में पूछा गया है। यानी इस वीडियो में मैं जो भी प्रश्न शामिल कर रहा हूँ वो सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो आनंद सागर झील कहाँ स्थित है, चार ऑप्शन है, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या नागौर। अब आपको 5 सेकंड के अंदर सोच के बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, आनंद सागर झील किस जिले में स्थित है। आपका टाइम आउट और सही आंसर है सी यानी बांसवाड़ा। जो आनंद सागर झील है वो बांसवाड़ा ज़िले में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाई तालाब झील कहाँ स्थित है, ये भी आपने कई लोगों ने नाम सुना होगा लेकिन कईयों ने नहीं सुना होगा, ये भी इम्पोर्टेंट और प्रश्न पूछा गया पहले। बाई तालाब जो झील है वो कहाँ स्थित है, चार ऑप्शन इसके हैं, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या उदयपुर। अब चार में से आपको बताना है, बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर या उदयपुर। आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड में आपको बताना है, टाइम आउट। और इसका सही आंसर है बी यानी बांसवाड़ा। बाई तालाब जो झील है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी है, उससे नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और एक राजस्थान आरपीएससी से संबंधित एक परीक्षा में पूछा गया था। तो आपको बताना है कि राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उससे नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त की जाती है। चार ऑप्शन है, पचपदरा झील, सांबर झील, डेगाना झील या मोती झील। आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड में आपको बताना है, टाइम आउट। और इसका सही आंसर है डी यानी मोती झील। अब मोती झील के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि मोती झील है ये रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया है और इसे भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। यानी ये मोती झील है भरतपुर में आई हुई है और इस भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं क्योंकि इसका जो जल है वो भरतपुर के लिए, शहर के लिए पेयजल सप्लाई के लिए काम में आता है। तो इस तरह से ये जानकारी थी थोड़ी सी डिटेल में। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था। जैसा कि नाम से विदित है राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था, लेकिन कब करवाया था, किस साल में या किस साल के दौरान, आपको उसके लगभग का जो सन बताना है, 1680 के लगभग या ईस्वी में या 1878 में या 1091 में या 1576 में, कौन से सन के आसपास इस झील का निर्माण करवाया गया था। तो 5 सेकंड में आपको सोच के बताना है। तो आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड में आपको बताना है और टाइम आउट। और इसका सही आंसर है
ए यानी 1680 के आसपास इस झील का निर्माण कराया गया था। थोड़ी सी व्याख्या में इसकी बता दूं कि महाराणा राज सिंह द्वारा इस झील का निर्माण 1662 से 1676 के मध्य में करवाया गया था और इसलिए इसका जो निकटतम विकल्प है वो 1680 है। और नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध इस झील में गोमती नदी आकर के गिरती है और इस पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा यानी राज प्रशस्ति पर लिखा हुआ है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है और इस झील की नौ चौकीपाल की ताकों में 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर संस्कृत में 25 सर्ग उत्कीर्ण हैं यानी लिखे हुए हैं और नव चौकीपाल में नौ ग्रहों के अनुरूप नौ के अंक का अद्भुत प्रयोग किया गया है हुआ है। इसकी लंबाई 999 फीट है, चौड़ाई 99 फीट और प्रत्येक सीढ़ी 9 इंच ऊंची और चौड़ी है और ये नव चौकी राजस्थान के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। इस तरह से ये विशेष जानकारी थी। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि जल महल किस झील के मध्य में स्थित है, एक बार और आपको प्रश्न रिपीट कर देता हूँ, जल महल किस झील के मध्य में स्थित है। चार जो ऑप्शन है उनमें है मानसागर झील, अनासागर झील, फतेह सागर झील या कुचामन झील। अब चारों झीलों में से आपको सही आंसर बताना है तो आपका समय 5 सेकंड का शुरू होता है, टाइम आउट। और इसका सही आंसर है ए यानी मानसागर झील। जलमहल झील है वो मानसागर झील के मध्य में स्थित है। अब जलमहल क्या है, तो जयपुर से आमेर के मार्ग पर आमेर की घाटी के नीचे कनक वृंदावन और फूलों की घाटी के पास स्थित मानसागर जो झील है, ये जयसिंहपुरा खोर गांव के ऊपर दो पहाड़ियों के बीच में तंग घाटी को बांधकर जयपुर के महाराजाओं ने इसका निर्माण नैसर्गिक सौंदर्य और मनोरंजन के लिए किया था। तो ये इसका थोड़ी सी व्याख्या हो गई। आपको एक बार वापस बता दूं कि प्रश्न था कि जलमहल झील किस मध्य स्थित है, तो ये मानसागर झील के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कुलैत झील किस जिले में स्थित है, से काफ़ी प्रसिद्ध जिले और कपिल मुनि का आश्रम या कपिल मुनि से संबंधित ये जिले, तो कुलैत जिले किस जिले में स्थित है। चार जो ऑप्शन है चूरू, नागौर, बीकानेर या जोधपुर, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो कुलैत जिले वो किस जिले में स्थित है। तो आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड में, आपको बताना है, टाइम आउट। और इसका सही आंसर है सी यानी बीकानेर। कुलैत झील है वो बीकानेर जिले में स्थित है। थोड़ी सी मैं इसको व्याख्या बता देता हूँ कि ये प्राकृतिक झील है जहाँ कपिल मुनि का जो मेला है प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को भरता है और इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो ये झील है कुलैत झील बीकानेर में स्थित है। अब जैसे एक मैप के द्वारा अगर आप किसी भूगोल के किसी टॉपिक को मैप के द्वारा समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो कुछ झीलों के नाम जो मैं मैप के द्वारा आपको बता रहा हूँ कि ताल छापर झील है चूरू में, लूणकरण से बीकानेर में, काबोद जैसलमेर में, पचपदरा झील है बाड़मेर में, फलोदी है वो जैसलमेर में जोधपुर में सॉरी, और डेगाना, कुचामन, डीडवाना ये सारी नागौर में स्थित है और सांभर है वो जयपुर में स्थित है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि गैप सागर झील किस जिले में स्थित है। प्रश्न एक बार और दोबारा बता देता हूँ आपको, गैप सागर झील किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन आपके हैं बीकानेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या डूंगरपुर। अब थोड़ी सी राजस्थान भूगोल आपने पढ़ी होगी या जिला वाइज थोड़ा सा डिटेल पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड में, आपको बताना है, टाइम आउट। और इसका सही आंसर है डी यानी डूंगरपुर। गैप सागर जो जिले है वो डूंगरपुर जिले में स्थित है, दक्षिण जो राजस्थान में है। अब इसकी मैं थोड़ी सी व्याख्या बता दूं कि डूंगरपुर में स्थित महारावल गोपीनाथ द्वारा जो बनवाई गई झील है इसलिए इसको गैप झील भी कहते हैं और ये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में फेमस है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि गड़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है। आपने नाम सुना होगा गड़सीसर सरोवर, काफ़ी फेमस है। अब चार ऑप्शन आपके हैं बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या चूरू, इन चारों जिलों में से किस जिले में गड़सीसर सरोवर स्थित है। तो आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड में, आपको बताना है, टाइम आउट। और सही आंसर है सी यानी जैसलमेर में। गड़सीसर जो सरोवर है वो जैसलमेर में स्थित है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको इसकी जानकारी एक्स्ट्रा जानकारी दे दूँ कि कुर्जा जो प्रवासी पक्षी होते हैं जैसे वो जिसको डोमिसाइल क्रेन भी कहते हैं, ये जैसे साइबेरिया से आते हैं, ये प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल भी है गैप सागर झील और इसका निर्माण रावल गड़सी सिंह ने गड़सीसर जो झील के बारे में बता रहे थे, तो ये इसका निर्माण है रावल गड़सीसर ने 1340 में करवाया था। इस सरोवर के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित विशाल द्वार पर स्थित विशाल एक द्वार है जो जिसको टीला कहा जाता है। ये टीला नामक वेश्या ने 1909 में इसमें निर्मित करवाया था और इसके किनारे लोक सांस्कृतिक संग्रहालय भी है। इस तरह से गड़सीसर सरोवर है वो, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सीलीसेट झील कहाँ स्थित है।
ये भी इम्पोर्टेंट ज़िले, सिलीशेड इस झील कहाँ स्थित है, तो चार ऑप्शन है अजमेर, बीकानेर, अलवर या राजसमंद। चार जिलों में से आपको ऑप्शन सही बताना है। आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड में, आपको बताना है, टाइम आउट। और सही आंसर है सी, यानी अलवर में, सिलीशेड झील है वो, अलवर में स्थित है। थोड़ी सी इसकी मैं जानकारी देता हूँ, सिलीशेड झील है वो जयपुर, दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर अलवर से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। और इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। आपको पता होगा नंदन कानन अभयारण्य राजस्थान के उड़ीसा, भारत के उड़ीसा राज्य में, और इस झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। और इस झील के वर्तमान में, इस झील में होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया है। और तो ये जानकारी थी सिलीशेड झील के बारे में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, फाय सागर झील कहाँ स्थित है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है। फाय सागर झील कहाँ स्थित है, अब इसमें चार ऑप्शन है, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर या उदयपुर। तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड में, आपको बताना है, टाइम आउट। और इसका सही आंसर है ए, यानी अजमेर। फाय सागर झील है वो अजमेर में स्थित है। थोड़ी सी इसकी जानकारी मैं दे दूँ, फाय सागर झील है, इस झील का निर्माण इंजीनियर फाय के निर्देशन में हुआ था, और उसी के नाम पे इनका नाम, इस झील का नाम है वो फाय सागर झील पड़ा। और ये झील बाढ़ राहत परियोजना के अंतर्गत अजमेर नगर परिषद द्वारा निर्मित की गई, और इस झील में बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। तो ये अजमेर में स्थित फाय सागर झील की जानकारी थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में किसके दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनॉट बांध का निर्माण करवाया था, यानी जैसे ये अंग्रेजों के समय का, जो भारत जब स्वतंत्र नहीं था उस समय की बात है, तो महाराणा फतेह सिंह ने किसके आगमन के उपलक्ष्य में ये कनॉट बांध का निर्माण करवाया था। तो चार ऑप्शन आपके हैं, महारानी विक्टोरिया, लॉर्ड क्लाइव या राजकुमारी लुइस या ड्यूक ऑफ कनॉट। तो 5 सेकंड में आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है, टाइम आउट। और इसका सही आंसर है डी, यानी ड्यूक ऑफ कनॉट। महाराणा फतेह सिंह है, उन्होंने ड्यूक ऑफ कनॉट के आगमन पे कनॉट बांध का निर्माण करवाया था। अब इसकी थोड़ी सी और जानकारी की जरूरत नहीं। अब जैसे ये एक मनोरम दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नक्की झील का दृश्य है। आपको पता होगा कि ये सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित झील है, और प्राकृतिक मतलब जो इस पिछले वीडियो में इसके बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दी थी कि कुछ लोग इसको कहते हैं कि नाखूनों द्वारा खोदी गई थी, और भूगोल की दृष्टि से इसको एक क्रेटर या कालडेरा माना जाता है, यानी किसी ज्वालामुखी के किनारे पर स्थित झील। तो इस तरह से ये नक्की झील का जो फोटो है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है, तो आपको एक तो ये पता होगा कि पिछोला झील उदयपुर में स्थित है, और इसको किस झील से जोड़ा गया है। तो चार ऑप्शन है, राजसमंद झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील या बालसमंद झील। तो इसका सही आंसर आपको 5 सेकंड में बताना है। आपका समय शुरू होता है, टाइम आउट। और सही आंसर है बी, फतेह सागर, यानी पिछोला झील को वर्तमान में फतेह सागर से जोड़ा गया है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या बता दूं कि फतेह सागर झील है, इस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी, और इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था। देवाली गांव स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी कहा जाता था, और अतिवृष्टि से बांध का क्षतिग्रस्त बांध जो क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवा कर नया नाम अपने नाम से रख दिया था, यानी फतेह सागर झील नाम रख दिया था। और पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाली जो तंग झील है उसको स्वरूप सागर कहा जाता है। तो ये विशेष जानकारी थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि नवलखा सागर किस जिले में स्थित है, नवलखा सागर जो जिले वो किस जिले में स्थित है। तो इसमें आपके चार ऑप्शन है, अजमेर, अलवर, बूंदी या उदयपुर। तो आपको चार ऑप्शन में से बताना है 5 सेकंड के अंदर अंदर। आपका समय शुरू होता है, टाइम आउट। और सही आंसर है सी, यानी बूंदी। नवलखा सागर जो झील है वो बूंदी जिले में स्थित है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं कि बूंदी जिले में स्थित कुछ जिले हैं, जिनमें एक तो नवल सागर झील है जो बूंदी राजमहल के नीचे कटोरे के आकार की झील बनी हुई है। दूसरी जो बूंदी जिले में स्थित झील है वो जैत सागर झील है। ये बूंदी शहर से उत्तरी द्वार के बाहर जैता मीणा द्वारा निर्मित झील है, और इस महल का निर्माण राजा विष्णु सिंह ने करवाया था, इसके ऊपर जो महल था वो। और एक बूंदी जिले की जो तीसरी झील है वो कनक सागर झील है, और इस झील का दूसरा नाम दुगारी झील भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से ये जानकारी थी बूंदी के अंदर जो भी झीलें हैं उसके बारे में। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। अब आपको पता तो वैसे पिछले प्रश्न में भी आ गया है कि आना सागर झील है वो कहाँ स्थित है, तो राजस्थान का जो हृदय अजमेर है वहाँ आना सागर झील स्थित है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था, चार ऑप्शन है, अरुणराज, पृथ्वीराज, राज सिंह या जय सिंह। तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है, 5 सेकंड के अंदर आपको बताना है। तो आपका समय शुरू होता है,
टाइम आउट और सही आंसर है ए यानी अर्णोराज। थोड़ी सी मैं इसकी जानकारी दे दूँ आना सागर झील के बारे में कि आना सागर झील है, इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पितामह अर्णोराज जिसको आना जी भी कहते हैं ने 1135 के आसपास अजमेर की दो पहाड़ियों के मध्य करवाया था। ये झील नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य स्थित है जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए अर्णोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोक कर बनवा करवाया था। और मुगल सम्राट शाहजहाँ ने इस झील के किनारे संगमरमर की 5 बारादरी का निर्माण भी करवाया है। तो इस तरह से ये आना सागर झील के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सांबर झील किस जिले में स्थित है, अब ये तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान की फेमस झील है और खारे पानी की सबसे राजस्थान की बड़ी झील है। तो 4 ऑप्शन है आपको, बीकानेर, अलवर, जयपुर या उदयपुर। तो 5 सेकेंड में आपको बताना है। प्रश्न काफ़ी सरल है लेकिन इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या बता दूंगा। टाइम आउट और इसका सही आंसर है जयपुर। तो जैसे सांबर जिले है वो जयपुर जिले में स्थित है और इसकी थोड़ी सी मैं व्याख्या बता दूं कि जयपुर जिले में राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, यानी राजस्थान की जो प्राकृतिक झील है खारे पानी की, जैसे ये राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब जैसे एक तो ये राजस्थान की प्राकृतिक झील है, दूसरा ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो चिल्का झील उड़ीसा में है। आपको बताऊंगा पिछले वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था। और भारत की जो दूसरी खारे पानी की झील है वो सांबर है और ये झील दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है और 3 से 12 किलोमीटर चौड़ाई पर ये झील फैली हुई है। और इस झील में 5 नदियाँ मिलती है जिसमें से मेंढा या मेढा कहते हैं, खारी, रूपनगढ़ या रूपनगढ़ नाला भी कहते हैं, बांडी का नाला और खंडेल नदियाँ। ये 5 नदियाँ यानी मेंढा, खारी, रूपनगढ़, बांडी और खंडेल नदियों का जो पानी है बह करके इस झील में आता है। तो इस तरह से ये सांबर झील है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है कि राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। अब रामसर आर्द्र भूमि क्या होती है ये पूरा मैं इसमें डिटेल में आपको इसकी व्याख्या में बता दूंगा। तो इसका जो ऑप्शन है सांबर, राजसमंद, जयसमंद या पिछोला, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि या रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। 5 सेकंड का समय आपका शुरू होता है, टाइम आउट। और इसका सही आंसर है ए यानी सांबर झील। तो राजस्थान की सांबर झील को रामसर जो आर्द्र भूमि उसकी सूची में शामिल किया गया है। इसमें और भी झीलें शामिल है, राजस्थान की भी इसमें और शामिल है और पूरे भारत की भी कई स्थानों को इसमें शामिल किया गया है। तो मैं पूरी व्याख्या आपको बता देता हूँ कि सांबर झील पर एक तो म्यूजियम साल्ट की स्थापना की गई है और जिसे पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट के नाम से पुकारा जाता है। और भारत में रामसर जो स्थल है उनकी सूची काफ़ी बड़ी सूची है लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ कि जैसे चिल्का झील जो उड़ीसा है 1981 में उसको शामिल किया गया था रामसर उसमें। इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है जिसको घना पक्षी विहार भी कहते हैं, ये भी 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। इसके अलावा लोकटक झील मणिपुर है, वूलर झील जम्मू कश्मीर की है, अरिके जो झील है पंजाब की है, सांबर झील राजस्थान की, यानी राजस्थान से 2 जिले हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी विहार और ये सांबर झील, 2 को ये रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा कंजली झील पंजाब, रोपड़ वेटलैंड ये आदि भी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि इसमें बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आपको बताओ कि आजकल जितने भी कंपटीशन होते हैं या किसी भी कंपटीशन में पर्यावरण से संबंधित टॉपिक को अवश्य शामिल किया जाता है। तो रामसर संधि क्या है, व्हाट इज रामसर ट्रीटी या कन्वेंशन। तो रामसर एक ईरान का शहर है, आपको पता होगा कि एशिया महाद्वीप का एक देश है ईरान और जिसकी राजधानी आपको पता होगा तेहरान है। तो उसमें एक रामसर नाम से शहर है जिसमें 2 फरवरी 1971 को एक आर्द्र भूमि के संरक्षण और उसके प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और इसी संधि या समझौते को रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। तो रामसर ये ईरान का एक शहर है। इस संधि का उद्देश्य संपूर्ण विश्व के सभी महत्वपूर्ण आर्द्र स्थलों की सुरक्षा करना है और ये समझौता 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। और जानकारी थोड़ी दे दूँ कि आर्द्र भूमि क्या होती है, वेटलैंड क्या होता है। तो पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जिसमें दलदल है, नदियां हैं, झीलें हैं, डेल्टा है, बाढ़ के मैदान है, चावल के खेत है, समुद्री क्षेत्र है, तालाब है, जलाशय आदि शामिल होते हैं, ये सारे आर्द्र भूमि कहलाते हैं। यानी वेटलैंड का मतलब जहां नमी बहुत ज़्यादा हो, आर्द्रता ज़्यादा हो, तो जिसमें दलदल, नदियां, झीलें वगैरह ये सारे शामिल हो गए। अब ये जल और स्थल के मध्य का एक संक्रमण क्षेत्र होता है, यानी इसमें जल भी होता है, स्थल भी होता है। और जैव विविधता की दृष्टि से जो आर्द्र
ये जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, ये बहुत समृद्ध स्थान होता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ जल और स्थल दोनों का मिलन होता है, तो वहाँ जलीय जीव भी होते हैं और स्थलीय जीव भी होते हैं। इस कारण इसका जो संरक्षण है अति आवश्यक है। और आर्द्र भूमि क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है, यानी जो भी इको सिस्टम है उनमें, जो प्रोडक्टिव इको सिस्टम है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है, और जो मानव समाज के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करता है और मानव समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे सिंचाई के लिए पानी है, अब जैसे वेटलैंड वगैरह हो तो उसमें मत्स्य पालन होगा, पानी की आपूर्ति भी होगी, जैव विविधता कारक रखा आदि। इसके साथ ही ये क्षेत्र पानी के अवशोषित करके बाढ़ के प्रभाव को भी नियंत्रित करता है और पानी के प्रवाह की गति को भी कम करता है। आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। जैसे कि मैंने पिछले जो व्याख्यान बताया था कि 2 फरवरी को इसकी कन्वेंशन की जो घोषणा हुई थी, इसलिए इसको 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ विशेष जानकारी आर्द्र भूमि के बारे में थी। अब जो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि राजस्थान के कुल उत्पादन, नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है, यानी राजस्थान में जितना भी नमक उत्पादन होता है उसमें से सांभर झील में उसका कितना प्रतिशत होता है, तो 4 ऑप्शन आपके हैं, 15% या 8.7% या 20% या 45%। यानी सांभर झील में भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना होता है, तो आपको 5 सेकंड में बताना है, टाइम आउट। और सही आंसर है बी, यानी 8.7, यानी लगभग 8.7% जो है नमक है भारत का कुल उत्पादन का, वो सांभर झील से उत्पादित होता है। इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल में जानकारी देता हूँ कि ये देश की सर्वाधिक नमक उत्पादक झील है, यानी नमक उत्पादन के मामले, झीलों के मामले में सबसे बड़ी जो झील है सांभर झील है, और इसमें से 8.7% नमक है उत्पादित होता है। और इस झील से नमक उत्पादन का कार्य भारत सरकार की देख रेख में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी है, उसकी एक सहायक कंपनी है सांभर साल्ट लिमिटेड, वो करती है। तो इस तरह से ये सांभर झील के बारे में जानकारी थी। तो मैंने इस वीडियो में प्रयास ये किया है कि आपके राजस्थान जीके से संबंधित जो राजस्थान भूगोल का जो टॉपिक था, राजस्थान की झीलें, उससे संबंधित में मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, और प्रयास ये किया कि आज तक जितने भी कंपटीशन में झीलों से संबंधित जो भी प्रश्न किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं, उनको इस दोनों वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल पर आप विजिट अवश्य करें। मैंने इस चैनल पर राजस्थान की नदियों से संबंधित और राजस्थान की जिलों से संबंधित वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं। इसके अलावा मैंने कक्षा 12 के पॉलिटिकल साइंस के सभी पार्टों के जो क्विक रिवीजन के और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियो भी अपलोड किए गए हैं। और इसके अलावा इस चैनल पे मैंने पे मैनेजर और विद्यालय से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनसे संबंध में वीडियो समय समय पर अपलोड करता रहता हूँ। तो इस तरह से राजस्थान जी के या अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें और चैनल पे बने रहें। और अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि मेरे कहने से कोई लाइक नहीं करेगा। अगर आपको चैनल वास्तव में पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।